हेलो गाइस, सुनीता सुला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चने दाल की कचौड़ी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। मैंने एक कप चना की दाल ली है, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने मिक्सी का जार लिया है। अब इसमें मैं चना की दाल ले लूँगी, इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए बहुत बारीक नहीं पीसना हमको, इस तरह से ही पीसना है। देखिए गैस मैंने चालू कर दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। इसमें हम 1/3 कप हम ऑयल लेंगे। देखिए मैंने सूखे मसाले लिए हैं, जीरा लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, सौंफ लिया 1/2 टीस्पून, राई लिया 1/2 टीस्पून, ये हम इसमें हम डाल देंगे। तो देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से क्रैकल होने लगे हैं। इसमें मैं चॉप की 2 हरी मिर्च डाल दूंगी, कड़ी पत्ता हम डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून मैंने मिर्ची ली है पिसी हुई, ये हम डाल देंगे। 2 चम्मच हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, इसे भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम पिसी हुई दाल डाल देंगे चने की। इसे भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में ही हमको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट करना है। देखिए दाल को और सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह से सभी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं। अब इसमें हम मैंने 1 चम्मच जीरा और सौंफ का पाउडर लिया है भुना हुआ, और 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, और 2 चम्मच मैंने धनिया लिया है। तो ये सब हम इसमें डाल देंगे, इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए दाल को मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, इसे अब हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। 2 चम्मच हम धनिया और पुदीने की हम चटनी डालेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे हम 1/2 कप। बारीक चॉप की हुई धनिया डालेंगे हरी। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे। देखिए मैंने एक बाउल लिया है, 2 कप हम मैदा लेंगे, तो 1 कप मैंने ये लिया और 1 कप ये है, तो 2 कप हमने मैदा लिया। 2 चम्मच हम शुद्ध घी लेंगे, ये जमा हुआ घी है, अगर पिघला होता तो हम 4 से 5 चम्मच लेते हैं। कि मोयन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक डो बना लेंगे। तो देखिए डो मैंने लगा लिया है, तो हमें न ज़्यादा सख्त डो चाहिए न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए है, हमको कचौड़ी बनाना है तो उस हिसाब से हमको डो चाहिए है। इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। इसमें 1/2 कप पानी लगा है डो बनाने के लिए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, आटे को हम देखते हैं। तो देखिए आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है, अब इसे हम नीड कर लेंगे। देखिए आटे को मैंने अच्छी तरह से नीड कर लिया है, और अब हम लोई बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोई बना लेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। देखिए कचौड़ी के लिए मैंने पूड़ी बना ली है, बेस हमारा तैयार हो गया कचौड़ी का। तो ये मैं दूसरी पूड़ी भी बनाऊंगी इसी तरह से। देखिए मैंने दूसरी पूड़ी भी बना ली है। अब इस तरह से हम पानी लगा देंगे चारों तरफ से। हमने जो स्टफिंग बनाई है ना चने की दाल की, ये इसमें हम फिल करेंगे। अब इसमें हम चिरौंजी और किशमिश डालेंगे। इस तरह से, तो जब ये कचौड़ी आप खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगेगी। इसको हम दूसरी पूड़ी को इस तरह से रख करके इसको अच्छी तरह से हम सेट कर देंगे, बंद कर देंगे कचौड़ी को।
तो देखिए मैंने चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से इसे चिपका दिया है कचौड़ी को। और ये मैं कटोरी लूँगी, कटोरी की मदद से हम इस तरह से इसे हम काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने काट लिया है। तो देखिए हमारी कितनी सुंदर कचौड़ी बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से मैं अपनी सारी कचौड़ियों को बना लूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो कचौड़ियों को हम फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम में ही हम कचौड़ियों को फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से हम पलट करके दूसरी तरफ भी हम सेक लेंगे। बहुत ही लो फ्लेम पे ही हमको सेकना है। तो देखिए कचौड़ियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है कचौड़ी का, इसी तरह क्रिस्पी बनाना है हमको। तो इस तरह से मैं अपनी सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लूँगी। देखिए हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी कचौड़ियाँ बनके तैयार हुई हैं। लीजिए गाइस बनके तैयार है हमारी बहुत ही लाजवाब बहुत ही टेस्टी हमारी चने दाल की कचौड़ी। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूं। तो मैं मिलती हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।